आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक हुआ संपन्न। जिलाधिकारी ने कहा, रोड के किनारे खड़े वाहनों का ITMS के माध्यम से होगा चालान, महानगर को दिलाया जाएगा जाम से निजात। जल्द ही गरीब तबके के लोगों को 5 रुपए में अन्नपूर्णा योजना के तहत नगर निगम के द्वारा भोजन कराया जाएगा उपलब्ध। रिक्शा चालक, फेरी वाले, भीख मांगने वाले लोगों सहित अन्य लोगों को मिलेगा लाभ। भूसा बनाने वाली स्ट्रिपर मशीन के उपयोग पर 30 अप्रैल तक लगाया गया रोक, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। नागरिकों की सुविधा के लिए गोलघर में बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग पर नगर निगम ने लगाया शुल्क। अब 2 पहिया वाहन को 10 और 4 पहिया वाहन को 25 रुपए देना होगा शुल्क, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में चल रहे बोर्ड परीक्षा के कंट्रोल रूम का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने किया निरीक्षण, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, कहा शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा नकल विहीन परीक्षा। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में दीक्षा पाठचर्या समारोह के 4th दिन प्रोफेसर डॉक्टर GS तोमर ने कहा, अमेरिका में 70% लोग आयुर्वेदिक दवाओं की ओर हैं उन्मुख, कोरोना संकट में बढ़ी आयुर्वेद की मांग, दुनिया ने माना लोहा। वर्ष के ऊपर के वृद्ध नागरिकों को सिटी बस में निशुल्क करवाया जाएगा यात्रा, महानगर के पार्षदों के साथ नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर निगम के कार्यालय में बैठक के उपरांत दी जानकारी। कहा, गर्मी को देखते हुए जलकल विभाग को पेयजल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए दिए गए हैं निर्देश। महानगर में महिलाओं की सुविधा के लिए नगर निगम गोलघर, मोहद्दीपुर सहित अन्य भीड़ भाड़ वाले मार्केट में नगर निगम बनाएगा पिंक टॉयलेट, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। और निपुण भारत योजना के कंट्रोल रूम का बेंगलुरु से आई IT टीम ने किया निरीक्षण, CDO ने कहा, निपुण भारत के कंट्रोल रूम से सरकारी विद्यालयों के बच्चों, मनरेगा, NARLM सहित विकास योजनाओं की जाएगी मॉनिटरिंग।